लोग जिन्होंने रात साथ बिताई थी ये बहुत सालों बाद फिर से एक दूसरे से मिलते, इनमें फ्रेंडशिप हुई और एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे, पर कमिटमेंट नहीं चाहते थे। एट अ टाइम वो अलग अलग लोगों को डेट करने लग गए। क्या अपने प्यार को रियलाइज कर पाएंगे, या हम आज की हमारी मूवी स्लीपिंग विद अदर पीपल 2015 की एक रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर लेनी ये कॉलेज के एक लड़के की डॉर्म के बाहर बहुत ही ज्यादा शोर कर रही थी। वो लड़का उसे बुरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। स्लोली स्लोली सब लोग वहां पर आने लग गए। वहां का जो इंचार्ज था वो कहता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, यहाँ आने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ जेक देख रहा था। वो लेनी को बचाने के लिए कहता है कि ये मेरी गेस्ट है। उसने परमिशन पर साइन कर दिया और उसके रूम में वो दोनों चले जाते हैं। लेनी इसके लिए उसे थैंक यू कहती है और एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। वो कहती कि मैं मैथ्यू से मिलने के लिए आई थी, उसकी जूनियर थी और हमेशा उसे हिंट दिया करती थी। आज रात उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर मैथ्यू ने उसे भाव नहीं दिया। जेक कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तुम उसमें इंटरेस्टेड कैसी हो। इसके बाद वो दोनों हैंग आउट करने लग गए और लेनी ने जेक से पूछा कि इंटीमेट होना किस तरीके से होता है। जेक उसे समझाने लग गया पर लेनी समझ गई कि जेक ने भी कभी ये ट्राई नहीं किया है। लेनी इस बात पर हंसने लगे। जेक कहता है कि तुम मुझे क्यों जज कर रही हो, तुम तो एक बहुत ही बोरिंग लड़के के साथ रहने वाली थी। लेनी को इस बात से बुरा लगता है। वो कहती है इस रोमांटिक मूवमेंट को तुमने बर्बाद कर दिया। जेक कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हम दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक चल रहा है। उसे किस कर लेता है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद 13 साल गुजर चुके हैं। हम जेक के घर से एक लड़की को रोता हुआ बाहर आते देख सकते हैं। उसका पीछा करता है। वो जेक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि जेक ने उस लड़की की सिस्टर के साथ ही अफेयर किया था। वो लड़की कहती कि तुम मेरी सिस्टर के साथ ही अफेयर कैसे कर सकते हो। जेक उसे कहता है कि मैंने तुम पर चीट किया है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमने मुझसे कहा था कि हमारी रिलेशनशिप उतनी एक्सक्लूसिव है नहीं। उसने फिर कहा कि अगर तुम सीरियस रिलेशनशिप चाहती हो तो फिर वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वो लड़की फिर उसके पास आ गई और गाड़ी के सामने उसे पुश कर देती है जिससे उसे फ्रैक्चर लगा था। इसके बाद हम लेनी को एक रिलेशनशिप में देखते हैं। उसके बॉयफ्रेंड की बातों पर उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था। उसे बताती है कि मेरी थेरेपिस्ट ने मुझसे कहा था कि मैं प्यार की एडिक्टेड हूँ, इस वजह से मुझे सपोर्ट ग्रुप में जाना चाहिए। बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। लेनी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उस पर चीट कर रही है। बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि शायद उसके ब्रदर के साथ ही उसने उस पर चीट किया होगा। लेनी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे बहुत ही घटिया चीजें बोलकर वहां से वो चला गया। वो फिर बाथरूम में जाकर मैथ्यू को मैसेज करती है। ये वही मैथ्यू है जिसे वो 13 साल पहले भी प्यार करती थी। इसके बाद वो एडिक्टेड लोगों के ग्रुप में गई थी पर वहां मैथ्यू ने उसे मैसेज किया। उसे बोर हो रहा था तो वहां से वो निकल जाती है। बाहर उसे जेक मिलता है, एक दूसरे को पहचान जाते हैं। लेनी कहती कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं सरप्राइज हूँ। जेक कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को लगता था कि मैं इंटीमेसी से डरता हूँ, इसी वजह से किसी रिलेशनशिप में आ नहीं सकता। उसने मुझे इस सपोर्ट ग्रुप में आने के लिए कहा था, मैंने अटेंड किया फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। वो कहता है कि 13 साल तो तुम गायब ही हो गई। वैसे वो मैथ्यू अब डॉक्टर बन चुका है। वो एक दूसरे के बारे में जान रहे थे पर लेनी को मैसेज आ रहा था। लेनी कहती कि मुझे कहीं पर जाना है। जेक उसे कहता है कि मैं फेसबुक पर हूँ, हम दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। अगले दिन जेक की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। उसने एक मीडिया कंपनी बनाई थी और अपने फ्रेंड के साथ इसे अब वो सेल कर रहा था। उसके फ्रेंड को इस डील की बहुत जरूरत थी। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जेक सारी कंडीशन मान लेता है। जिस कंपनी के सीईओ ने उसे बाय किया उसी के साथ वो बातें करने लगता है। कहता है कि क्या तुम्हारे साथ मैं कहीं पर चल सकता हूँ। वो कहती है कि तुम्हें मुझ में क्यों इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें दिख गई क्या, इसी वजह से तुम मेरे पीछे लग रहे हो। जेक कहता है कि तुम स्मार्ट हो और सक्सेसफुल हो, इसी वजह से मुझे तुम पसंद आई। अब जब वो उसकी बॉस बन चुकी है तो एम्प्लॉय के साथ वो डेट नहीं करती थी। उस लड़की का नाम था पॉला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेनी मैथ्यू के पास आई है। लेनी ने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट मैथ्यू के साथ ही किया था। 13 सालों से इनकी रिलेशनशिप ऑन ऑफ ही चलती आ रही है। आज भी वो पेशेंट की तरह प्रिटेंड कर यहाँ पर आई हुई थी। लास्ट टाइम वो मैथ्यू के लाइफ से बिना कुछ बताए चली गई थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड था। लेनी कहती कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मैथ्यू कहता है कि एक अच्छा आइडिया है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से अब शादी कर रहा था। लेनी ने उसे कहा कि मेरे फोन से तुम्हारा नंबर डिलीट कर दो, ये मैं कर नहीं पाऊंगी। मैथ्यू उसके पास आ जाता है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। जो भी हुआ इसके बारे में लेनी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड कहती कि मैथ्यू से शादी करने वाली लड़की पागली होगी, तुम्हें अब उसे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पर ये लेनी के लिए बहुत ही हार्ड था। वो उसे जेक के बारे में भी बताती है। फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेनी फिर वही करती है। जेक एक कंसर्ट पर लेनी को लेकर आता है। वहां पर उसका फ्रेंड और फ्रेंड की वाइफ भी है। ये सारे मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में वहां से लेनी जाने लग गई।
जैक उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि हुआ क्या। लेनी कहती कि मुझे लगा था कि हम दोनों डेट पर जाएंगे। मैं तो कहता है कि मुझसे गलती होगी, अब हम यहाँ से हमारी डेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एक स्पेशल सी जगह पर डंपलिंग्स खाने के लिए आए। लेनी ने मैथ्यू और उसके बीच में जो भी हुआ था ये सब कुछ जेक को बता दिया। जेक कहता है कि आखिर उसमें ऐसा है क्या जो तुमने अपने इतने सारे साल उसके पीछे बर्बाद कर दिए। लेनी कहती कि मैं हमेशा से उसे प्यार करती आ रही थी, मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझे चूज करेगा, पर फाइनली अब वो शादी कर रहा है। जेक कहता है कि ये सारी गलती मूवीज की है, हमें हमेशा बताया जाता है कि हमें एक आइडियल पार्टनर मिलेगा, इन स्टोरीज की तरह कभी भी होता नहीं है। जेक कहता है कि मैं भी हमेशा किसी को ढूंढता रहता हूँ पर वो कभी भी मुझे मिलती नहीं है, मैं फिर उस लड़की को कमिट नहीं कर पाता। डायरेक्टली ब्रेकअप करना उसे बहुत ही गलत लगता है, इसी वजह से उस पर वो चीट करता है और उसे बता देता है। इससे गुस्से में अच्छी तरीके से ब्रेकअप हो जाता है। इस तरीके से ऑनेस्टली बात कर दोनों को बहुत अच्छा लगा था। वो जब घर जाने लग गए तो जेक कहता है कि मैं तुमसे अट्रैक्टेड होने लग गया हूँ। लेनी कहती कि हम दोनों हमेशा हमारे रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देते हैं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, हम दोनों मिलकर एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे, अगर हमें कोई भी फीलिंग्स आने लग गए तो एक दूसरे को इसके बारे में बता देंगे। जेक हमेशा अपने बॉस पॉला के साथ फ्लर्ट करता था, उसने फूलों के साथ एक कार्ड भेजा जिसमें लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा। जेक और लेनी एक दूसरे से बात करने लग गए, वो एक दूसरे से पूछते कि क्या वो किसी से मिले, दोनों किसी और के साथ डेट पर जाते पर एक दूसरे को मना करते हैं। जेक लेनी को समझाता है कि अगर तुम किसी से प्यार करोगे तो खुद से होना चाहिए। एक दिन लेनी जब बैठी हुई थी तो एक जगह पर मैथ्यू को जॉगिंग करता देखती है, उससे वो बात करने वाली थी पर मैथ्यू को उस पर ध्यान नहीं था, वो भागने लग गया तो लेनी ने उसे पीछा करने की बहुत कोशिश की पर वो कर नहीं पाती। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी तो जैक को बुला लेती है। वो कहती कि शायद मैथ्यू को हम दोनों के ब्रेकअप के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा था। जेक कहता है कि तुम वरी मत करो, तुम फनी हो, स्मार्ट हो और दिखने में तो बहुत अच्छी हो। लेनी को बहुत बुरा लग रहा था, इस वजह से वो शॉपिंग कर रही थी, उसे अपने कपड़े ट्राई कर दिखाती है। ये देखने के बाद जेक को कंट्रोल करना बहुत ही हार्ड था। नेक्स्ट वीक ये दोनों फिर से मिलकर शॉपिंग करने के लिए गए। जेक कहता है कि जैसे तुमने मुझसे कहा था कि एक लड़की को डेट करना चाहिए, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए, यही मैंने सब किया। हम दोनों डेट पर गए पर मैं उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ। कल उस लड़की ने मुझे कॉल किया और उसने पूछा कि हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। उसे लग रहा था कि शायद जेक उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद उस लड़की के साथ इंटीमेट हो गया। इंटीमेट होने के बारे में वो बात करने लग गए थे, चीजें वियर्ड होने लग गए तो दोनों वहां से उठकर चले जाते हैं। एक रात लेनी अपने फ्रेंड को जेक के बारे में बताती है। वो कहती है कि हम दोनों की रिलेशनशिप बेस्ट है, फ्रेंड को आइडिया इतना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि क्या तुम किसी और के साथ डेट पर गए। लेनी कहती कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, फ्रेंड ने कहा कि एक रिलेशनशिप का स्पेस ये जेक ले रहा है, इसी वजह से तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। नेक्स्ट दिन में जेक से मिलने के लिए उसका फ्रेंड झैंडर आया। उसे कहता है कि मेरे बेटे का बर्थडे है, अगर तुम लेनी को अपने साथ लेकर आते हो तो तुम आ सकते हो। जेक कहता है कि ऐसा क्यों, मैं अकेला क्यों नहीं आ सकता। फ्रेंड ने कहा कि तुम मेरी वाइफ की फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करने लगते हो, बात आगे बढ़ने के बाद तुम उन्हें छोड़ देते हो, इस वजह से चीजें बहुत ही वियर्ड हो जाती है, अगर तुम लेनी को साथ लेकर आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीक जब जेक और लेनी दोनों हैंगआउट कर रहे थे तो अचानक से लेनी को मैथ्यू का कॉल आया। इसे वो पिकअप नहीं करती पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। जेक उसे सहारा देता है और फिर वो घर जाकर मूवीज देखते हैं। लेनी कहती कि हम दोनों कपल्स नहीं है पर फिर भी बहुत सारी चीजें हम कपल की तरह ही करते हैं। जेक कहता है कि जब भी मैं रिलेशनशिप में होता हूँ तो हमेशा उस पर्सन को खोने का डर मुझ में रहता है, हम दोनों जब अब फ्रेंडशिप में है तो तुम्हें खोने से मैं बहुत ही ज्यादा डरता हूँ। इतना वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं डरा था। लेनी आजकल एक स्कूल टीचर थी पर उसने फिर से डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई किया था, वो अपनी डिग्री लेने के लिए किसी और सिटी में जाने वाली थी। जेक कहता है कि इस बात से मुझे बहुत बुरा लगता है, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और उसे पता नहीं था कि उसे करना क्या चाहिए। लेनी उसे फिर बाहर घूमने के लिए लेकर गई। जेक पूछता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड के बेटे की बर्थडे पार्टी पर आओगे और लेनी इसके लिए हाँ कहती है। वो दोनों वहां पर स्टोन्ड होकर आए थे, सारे बच्चे सब लोगों को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे थे तो लेनी उन्हें संभाल लेती है, उनके साथ वो डांस करने लग गए, सब लोग उसे देखते रह गए। जेक ही देखता है और वो भी लेनी के साथ डांस करने के लिए चला गया। लेनी को एक सिंगल डैड ने नोटिस किया था, वो बाद में जाकर उसे अप्रोच करता है, अपना नंबर उसे देकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में लेनी उसके साथ डेट पर गई हुई थी, वो दोनों इंटीमेट हो गए और जब नेक्स्ट टाइम जेक और लेनी मिले तो इसके बारे में बात कर रहे थे। जेक जरा ऑकवर्ड हो जाता है। लेनी कहती कि जब तुम अपने पार्टनर्स के बारे में बात करते हो तो मैं ऑकवर्ड नहीं होती, तुम क्यों होते हो। जेक कहता है कि मुझे सिर्फ जरा ऑकवर्ड लगता है। नेक्स्ट दिन में जेक पॉला के पास आया, उसे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और कहता है कि मैं रिजाइन करना चाहता। लेनी कहती कि अगर तुमने इस तरीके से रिजाइन कर दिया तुम्हारे $5 million का नुकसान हो जाएगा। जेक कहता है कि तुम अपने एम्प्लॉय को डेट नहीं करती तो रिजाइन कर फिर मैं तुम्हें डेट के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। पॉला कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी वर्थ $5 million है। जेक कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं लगता कि तुम्हारी वर्थ उतनी नहीं है।
पॉलो के बात अच्छी लगी और उसके साथ डेट पर आने के लिए मान गई। लेनी भी अपनी डेट के साथ एक पार्टी पर आई हुई थी। उसी पार्टी में मैथ्यू अपनी वाइफ के साथ आया था। उसकी वाइफ अब प्रेग्नेंट है। ये देखने के बाद लेनी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। जेक पॉला के साथ डेट पर आया तो पॉला कहती कि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ही खराब है, ऑफिस की हर एक लड़की को तुम्हारे बारे में पता है। तो पूछती कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या था कि हर एक लड़की के पीछे तुम लगे रहते हो। जेक कहता है कि मैं प्यार की तलाश कर रहा था पर कभी भी वो प्यार मुझे मिला ही नहीं। फाइनली मैंने गिव अप कर लिया और डेटिंग को एंजॉय कर रहा है। पॉला कहती कि जिससे मुझे प्यार हुआ था उसी से मैंने शादी की थी, उसे भी जब धोखा मिला था तो उसका भी रिलेशनशिप से भरोसा उठ गया था। लेनी डिस्टर्ब होकर जैक को कॉल कर दिया पर जैक ने इसे कट कर दिया। वॉशरूम में मैथ्यू की लाइफ लेनी से मिली। वो कहती कि इस तरीके से मैथ्यू के पेशेंट से मिलना बहुत ही वियर्ड होता है। वहां से जाने लग गई थी तो मैथ्यू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो पूछता है कि तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। लेनी कहती कि मैं तुम्हारी तरह घटिया पर्सन नहीं हूँ। जेक और पॉला के बीच में बातें आगे बढ़ती है। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे पर जेक ने लेनी का नाम ले लिया। पॉला पूछती कि लेनी कौन है। जेक कहता है कि एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। वो घर पर आया तो लेनी उसका वेट कर रही थी। सब कुछ सुनकर उसे सपोर्ट देता है। लेनी ने जेक को उसकी डेट के बारे में पूछा। जेक कहता है कि वो बहुत ही अच्छी गई थी। उसे पूछती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेनी ने पूछा कि अब हम इस बात का क्या करेंगे। जेक कहता है कि बिना किसी कंडीशन के मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेनी कहती कि मैं भी उतना ही तुमसे प्यार करती हूँ। लेनी को अपने कॉलेज के लिए अलग सिटी में जाना था तो रेडी हो जाती है। जेक कहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाने का हमारा लास्ट चांस है। लेनी कहती कि कमिटेड आदमी के साथ अब मैं रिलेशनशिप नहीं रखती। इसका मतलब है जेक और पॉला की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है। जेक कहता है कि मैं भी अब किसी पर भी चीट नहीं करता। इसके बाद बाय कहकर अपने अपने रास्ते पर वो चले गए। 2 महीने गुजर जाते हैं। जेक पॉला के बेटे को खेलने के लिए लेकर आया था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि लेनी के बाद तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन बन चुके हो, आजकल तुम दोनों में चल क्या रहा है। जेक कहता है कि बहुत टाइम से हमने एक दूसरे से बात नहीं की। जब जेक पॉला के साथ था तो उसे पेरिस लेकर जाना चाहता था। उसने उसके लिए पूरी सरप्राइज वैकेशन प्लान की थी। पॉला कहती है कि तुम इतने अच्छे हो कैसे सकते हो। जेक कहता है कि लाइफ में मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है, अब वो नहीं करना चाहता। इसी मोमेंट पर रेस्टोरेंट में उसने मैथ्यू को देखा। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डायरेक्टली जाकर उसे पंच कर देता है। मैथ्यू कुछ भी समझ नहीं पाता पर एक दूसरे से फाइट करने लग गए। फाइनली पुलिस उन्हें रोक लेते हैं। फाइट करते वक्त जेक मैथ्यू से कह रहा था कि लेनी के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब सुनकर पॉला बहुत ही गुस्से में थी। पॉला कहती कि तुम अब भी उससे बहुत प्यार करते हो तो फिर भी मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आए। जेक कहता है कि मैं तो उसे बात भी नहीं कर रहा, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। पर पॉला कहती है तुम्हारी 2 personalities है, जब तक तुम अपनी लाइफ को फिगर आउट नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पुलिस स्टेशन में जेक ने लेनी को कॉल किया। जो इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में उसे बता देता है। लेनी ने पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों। जेक कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही ज्यादा मिस करता रहता हूँ। मिस करता हूँ ये कहना गलत होगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कभी भी मेरे पास से गई ही नहीं हो। हम दोनों को लगता है कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हम दोनों सही नहीं रहेंगे, पर एक दूसरे को अगर हम चांस ही नहीं देते तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अगर मैं फेल भी हो गया तो फिर भी तुम्हारे साथ ही फेल होना चाहता हूँ। लेनी सुनकर बहुत इमोशनल हो गई थी। उसे कहती कि प्लीज बात करते रहो। जेक चिल्ला कर उसे आई लव यू कहता है। लेनी ने भी उसे आई लव यू कहा। इनकी आवाज सुनकर फिर मैथ्यू को पता चला कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या था। उस पर एक बहुत बड़ी केस कर देता है। बार बार जेक को कोर्ट में बुलाया जाता है पर वहां पर मैथ्यू नहीं आता। एक दिन लेनी मैथ्यू के पास चली गई। वो कहती कि जेक पर तुमने जो भी चार्जेस लगाए थे ये विथड्रॉ कर लो। मैथ्यू कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम क्या करोगी, क्या मेरी वाइफ को जाकर सब कुछ बता दोगी। लेनी कहती कि तुमने मेरे साथ बहुत सारी चीजें शेयर की थी, तुम मेरे बारे में जो फील करते हो शायद वही चीजें तुमने अपनी वाइफ को भी भूली होगी। अगर मैं उसे सब कुछ जाकर बता दूंगी तो उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा। ये बात मैथ्यू समझ गया और चार्जेस ड्रॉप करने वाला था। वो बाहर निकलती है और जेक उसका वेट कर रहा था। वो दोनों रेडी होकर शादी करने के लिए जा रहे थे। वो रियलाइज करते कि अब तक वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए। जल्दी से शादी के पहले वो घर जाना चाहते थे। एक दूसरे के साथ एक ऑनेस्ट और वियर्ड सी रिलेशनशिप में दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।